हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है कि भाई आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और भाई हम लोग भी ठीक ठाक है। तो आज भाई 16 जुलाई है और अभी जो है मैं काम पे जा रहा हूँ। आज का सीन ये है कि भाई वेदर बहुत ही अजीब हुआ पड़ा है, फोगी है। 16 जुलाई को भाई फोग है और टेम्परेचर भी जो है सुबह को 18 सेंटीग्रेड है, मतलब कह सकते हो कि थोड़ी बहुत जो है ठंड है। मैं आपको जो है यहाँ पर भाई फोग दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आए तो। तो गाइज ये देख सकते हो भाई, ये पूरा ऊपर वाला ये वहाँ तक फोग, ये देखो ये इस साइड में आपको वो देखो पूरा फोग ही है भाई। हाँ तो गाइज अभी जो है मैं काम पे पहुँच गया हूँ, तो चलो मिलते हैं काम के बाद। अरे जो शेफ की खास फरमाइश थी ये उसने बनाई है, ये है ये देखो भाई किस तरह डिजाइनिंग की है इसने। ये मैं लाइव टू मेक मूवी, इट्स अ मूवी ब्रो, इट्स अ मूवी। ये देखो भाई बहुत अच्छा बनाया है, गुड तालीस, गुड गुड। हाँ तो गाइज अभी जो मेरा काम है वो ख़त्म हुआ है और जो बॉस बोल रही थी आधा घंटा पड़ा था, मतलब मेरा 6 बजे ख़त्म होता है, आधा घंटा पड़ा था, पर बॉस ने बोला कि भाई तुम जा सकते हो क्योंकि आज एक नया बंदा भी आया था। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, मैंने कहा कि भाई ठीक है ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ, पर यह है कि भाई हम दोनों साथ में जाते हैं सेफ और मैं, और आज है भी सैटरडे तो बस भी लेट आएगी, इसलिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ सैफ का जो है काम भाई ख़त्म हो जाए फिर जो हम लोग जाएंगे। ये भाई जो है अभी सफाई कर रहा है किचन की, ये ऑर्डर आ गया है भाई का। तो दोस्तों अभी जो है हम वापस जा रहे हैं और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो वीडियो में आ रहा हूँ क्योंकि सालार ने आपको बताया ही होगा शेड्यूल का जो है वो मसला था इस वजह से, और मुझे जो है अकेले को ब्रंच का सेशन जो है वो चलाना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आता हूँ ताकि प्रिपरेशन जो है वो टाइम पर कर सकूं, और जब ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं तो फिर मुझे जो है वो काफ़ी जो है परेशानी ना हो, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ता है तो सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। और आज भी बहुत ज़्यादा काफ़ी लेट हो गई थी, आज अभी इस वक्त हम जा रहे हैं क्योंकि एक और जो है लड़का जो किचन में बर्तन धोने का डिश वॉशिंग का काम करता है उसको सारी मैं अपनी चीज़ें दे के आया था, वही सारी क्लीनिंग करेगा, वैसे वरना मैं करता हूँ, अगर आज मैं करता तो एक घंटा और मुझे लग जाता और लेट हो जाती आज, लेकिन चलो एक नया बंदा भी आया था डिश वॉशिंग के लिए तो इसलिए उसको बोला कि वो जो है मेरा जो सेशन है वो पूरा क्लीन करके रख देगा, तो ये सबसे अच्छी बात हो गई। और आज जो है फिर मैं भी जल्दी आ गया, और आज सैटरडे है तो बस भी जल्दी नहीं आनी, तो एज़ यूजुअल हम जो है कैसी पर जाएंगे और फिर वहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद जो है वो बस पकड़ेंगे और घर जाएंगे। भाई अभी जो है हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हम अपनी जो है वो बस लेते हैं, और अभी जो है कैसी चलेंगे और कैसी के साथ ही बस का स्टेशन है वहाँ पर 9 बजे आती है बस, तो अभी 2 घंटे बैठकर कैसी पर फिर जो है चलेंगे घर, और उस दौरान जो है आपके क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत उनका भी जो है जो कमेंट्स होते हैं उनका भी जवाब देंगे। तो दोस्तों अभी जो है हमने खा पी लिया है KFC से, और अभी जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं जो कमेंट्स हैं उनका जो है वो जवाब देते हैं। तो सबसे पहला कमेंट था एग्रीकल्चर वर्क के लिए किस सिटी में रहना ठीक होगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई जहाँ तक एग्रीकल्चर के काम के हवाले से बात है तो वो ये है कि आप पुर्तगाल में जो मतलब इतना कोई बड़ा कंट्री नहीं है ये पुर्तगाल में कि आपको चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी, लेकिन फिर भी जो बाहर वाले इलाके हैं जैसे के बेजा सिटी हो गया, फारो हो गया या फिर वैलेंसा हो गया, वहाँ पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हो जैसा कि पोर्टो हो गया या लिस्बन हो गया, उसमें एग्रीकल्चर जाहिर सी बात है कम होता है, तो आप को छोटे सिटीज़ में जाना चाहिए उसके लिए। और भाई आपसे कुछ बात करनी है तो भाई आप जो है हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद भाई एग्रीकल्चर जॉब्स के लिए किसी एजेंट के साथ रब्ता करना होता है या नहीं, भाई देखें अगर आप जो है अभी तक पुर्तगाल में नहीं है मतलब इंडिया या पाकिस्तान में अपनी होम कंट्री में हैं
तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप जो है एग्रीकल्चर का वर्क परमिट लो और यहाँ पर वीज़ा लेके आ जाओ। ये काफ़ी रेयर है और अगर कोई देता भी है तो उसका जो है वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पर हो पुर्तगाल में तो आप डायरेक्ट ले सकते हो जिसको ज़रूरत है या जो फ्रेम बनी हुई है। ये एजेंट भी काफ़ी सारे कराते हैं तो आप दोनों तरीक़ों से ले सकते हो। और उसके बाद है लेटविया का TRC कार्ड कितनी देर में मिल जाता है भाई। तो भाई जहाँ तक लेटविया का सवाल है वहाँ तक तकरीबन कोई 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और उसके बाद है भाई फैक्ट्री में क्या क्या काम होता है, ओवर टाइम मिलता है और इसमें सैलरी कितनी बन जाती है अगर 12 आवर्स पर डे काम करें। भाई फैक्ट्री पर यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो काम की रूटीन है उसमें ये है कि आप जो है एक हफ़्ते में 40 आवर्स जो है वो काम करोगे तो फिर वो आपका जो है शेड्यूल जिस तरह से बना होगा, लेकिन हफ्ते में 40 आवर्स लाजमी पूरे करने हैं। और जो सैलरी होती है वो अगर आप फैक्ट्री में एज अ लेबर हो तो आपको 740 यूरो से ज़्यादा नहीं मिलेगी यहाँ पर, और उसमें से भी थोड़े बहुत पैसे काटते हैं वो, तो तकरीबन 700 ही बनते हैं। और 24 डेज़ होता है, 22 डेज़ नहीं होता। और उसके बाद है भाई पुर्तगाल में पासपोर्ट पर मोबाइल नंबर सिम मिल जाती है भाई। यहाँ पर बग़ैर पासपोर्ट के सिम मिल जाती है, आप यहाँ पर आओ और कहीं भी दुकान से जो है वो आप अपनी सिम खरीद सकते हो। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जो सिम कार्ड होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो 1 महीना चलते हैं, 2 महीना चलते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट भी मिलते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। उसके बाद है सर क्या आप पुर्तगाल बुला सकते हैं हमें? भाई नहीं, हम जो है आपको पुर्तगाल नहीं बुला सकते क्योंकि ना ही हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी है और ना ही हमारी कोई कंपनी है कि आपको वर्क परमिट देकर आपको जो है वो बुलाएं वहाँ से। उसके बाद आज के लिए लास्ट कमेंट क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो भाई सिटीज़नशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं? भाई सिटीज़नशिप के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो TRC कार्ड है उसको 5 साल हो चुके हों पूरे, मतलब पहले 2 साल का मिलता है और उसके बाद 3 साल का जो है वो रिन्यू होता है। 3 साल के बाद आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद थोड़ी बहुत इंटरव्यू वगैरह होते हैं और आपकी वो नॉलेज चेक करते हैं लैंग्वेज के हवाले से। और कोई ऐसी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है और क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसी मतलब बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है आपको 5 साल यहाँ पर हुए हों। तो आज की वीडियो के लिए यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है इस इंफॉर्मेशन की, और वैसे भी शेयर करो क्योंकि हम व्लॉग ही शूट करते हैं, लास्ट में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो इस वीडियो के लिए यही सारी चीज़ें थी। एंड द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें इस वीडियो को। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।